नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। गैंगरेप के मुलजिम न गिरफ्तार होने के संबंध में पीड़ित परिवार द्वारा न्याय की गुहार पुलिस अधीक्षक से लगाई गई। पीड़ित परिवार ने बताया कि अगर हमें न्याय ना मिला तो अगला स्टेप पूरा परिवार आत्महत्या कर लेगा। न्याय के लिए लगाई गुहार पुलिस अधीक्षक से मनोज शुक्ला। पीड़ित परिवार ने बताया कि सरकार एक तरफ महिला सशक्तिकरण के अभियान चलाकर सशक्त बनाने की बात करती है और वहीं दूसरी तरफ एक पीड़ित परिवार जिसका गैंगरेप किया जाता है, जब वह पीड़ित परिवार थाने जाता है वहां पर भी एप्लीकेशन नहीं ली जाती और फिर पुलिस अधीक्षक के पास जाता है वहां भी कोई सुनवाई नहीं होती। पीड़ित परिवार ने माननीय न्यायालय के दरवाजे पर पहुंच गए जब अपनी गुहार लगाई तब वहां से आदेश पारित होता है सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाए। न्यायालय के आदेश अनुसार तब कोतवाली में FIR दर्ज होती है, उसके बाद मेडिकल 161, 164 के बयान कराए जाते हैं। उसके उपरांत मुलजिम गिरफ्तार नहीं किए जा रहे, जबकि पीड़ित परिवार ने लगातार 3 माह से जनपद के उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई व हमारे मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी कई बार गुहार लगाई और अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन DGP कार्यालय में भी कई बार गुहार लगा चुके हैं, अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। वहीं प्रशासन ने मुलजिम को इतना बढ़ावा दिया कि वह आए दिन पीड़ित परिवार को टॉर्चर करते रहते हैं, जान से मारने की धमकी दिया करते हैं। जब पीड़ित परिवार अपने थाने जाता है वहां पर एप्लीकेशन देता है तो वहां की पुलिस कहती है कि आपने न्यायालय से आदेश कराया है, यह मुलजिम गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे क्योंकि आपने न्यायालय से लिखाया है, अगर कोतवाली से लिखाया गया होता तो तत्काल किए जाते। तब पीड़ित परिवार ने कहा कि मैं पहले यही गुहार लगाया पर हमारी एप्लीकेशन नहीं लिखी गई, तब मैं न्यायालय के दरवाजे गया। मनोज शुक्ला ने बताया कि हमें 3 माह से न्याय नहीं मिला है, अगर अब हमें न्याय ना मिला तो पूरा परिवार आत्महत्या कर लेंगे। क्या नाम है? एसपी ऑफिस आए, क्या मामला है? मामला एक 27 तारीख को हमारे घर में गैंगरेप होता है और उसके बाद 2-3 माह तक पकड़े नहीं जाते, 164, 161 का बयान हो जाता है। अगर मैं थाने जाता हूँ वहाँ पे हमको तड़का दिया जाता है। किसका रेप हुआ? मेरी पत्नी का रेप हुआ। किन लोगों ने किया? कन्हैया शिवानी। कौन लोग हैं ये? शर्मा है, घर के सामने रहते हैं। कंप्रोमाइज करो, 6 तारीख को मारपीट पत्थर से बाजी करते हैं, कंप्रोमाइज करो। उसके बाद मैं थाने में 5-5 घंटे बैठा रहता हूँ, मेरी FIR नहीं लिखी जाती। माननीय 156-3 डाल के न्यायालय से आदेश करा के ले जाता हूँ तब FIR दर्ज होती है। अब जो कहते तुम लोग 156-3 को क्या मारते हो, अगर थाने में लिखते तो हम मुलजिम को पकड़ लेते, अब हम नहीं पकड़ेंगे। उसके बाद मैं CO साहब के यहाँ जा रहा हूँ, कप्तान साहब के यहाँ जा रहा हूँ, मुख्यमंत्री के यहाँ जा रहा हूँ, जनता दरबार में हर जगह जा रहा हूँ, अपर जोन के यहाँ जा रहा हूँ, हर जगह से आख्याएँ रिपोर्टें गलत लगाई जा रही हैं और गैंगरेप के मुलजिमों को बचाया जा रहा है, सिर्फ उनको पैसा दिखाई पड़ रहा है। मैं न्याय के लिए यहाँ कम से कम 10 बार कप्तान साहब के सामने दे चुका, 50 बार DM साहब के सामने दे चुका, अब अगला टारगेट हमारा आत्मदाह का है। मैं अपनी जीवन लीला पूरे परिवार समेत समाप्त कर दूंगा। क्यों मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है? योगी आदित्यनाथ के दरबार में करेंगे। तो आज SP ऑफिस आए, आज क्या कहा? आपकी बात आज कोई कार्रवाई नहीं, बताया कि CO साहब तुम्हारी जाँच कर रहे हैं और CO साहब के यहाँ जाओ तो बोलते हैं फार लगने वाला है, ये लगने वाला है, कोई अधिकारी कुछ नहीं कर रहा है। हमारे पास 7-8 हैं जो ऐसे डॉक्यूमेंट जिनमें सब अधिकारियों ने गलत लिखा है और गैंगरेप के मुलजिमों को केवल बचाया जा रहा है। जो पूंजीपति हैं इसलिए उनको बचाया जा रहा है, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ इसलिए मेरी सुनी नहीं जा रही है।